हेलो एवरीवन, साइनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की जो मैं कट कर रही हूँ, मल्टी स्टेप कट कर रही हूँ, आप पतले और हल्के बालों में भी कर सकते हैं, जिससे कि बालों में अच्छे से लेयर आ जाते हैं और बाल हैवी लुक आती है बालों की। सबसे पहले हम जो हम गाइडलाइन बनाने के लिए जितनी हमको लेंथ चाहिए उतने में हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये हमारी गाइडलाइन हो जाती है। इसी गाइडलाइन को लेते हुए हम पूरी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इक्वल कट कर लिया है। अब हम बालों के ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेंगे और बैक साइड में केवल हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। इस तरह से अच्छे से कॉम करेंगे। एक पार्ट को पहले हम कट करेंगे। इस तरह से बालों को कॉम करते हुए जो हमारी गाइडलाइन बनी थी उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे और जो कटिंग गाइडलाइन बनी है उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम कटिंग करेंगे। अच्छे से कॉम करेंगे और जो गाइडलाइन बन रही है उसी गाइडलाइन को ऊपर की तरफ हम लेते जाएंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जो कट दिख रही है उसी कटिंग को हम ऊपर मिलाते जाएंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से लेयर आ जाते हैं और हैवी लुक आती है बालों में। हल्के बालों में इस तरह से कट दे सकते हैं। मेरी और स्टेप कट की और वीडियो भी है, अलग अलग तरह से मैंने स्टेप कट किए हुए हैं। सनी ब्यूटी पॉइंट में जाके आप वॉच कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से कटिंग करेंगे। जो गाइडलाइन बन रही है उसी गाइडलाइन को लेते हुए एक बार हम फिर से चेक करेंगे। पूरे बालों में अच्छे से कॉम करेंगे। और इस दूसरी साइड भी हम इस तरह से करेंगे, कॉम करेंगे और जो गाइडलाइन बनी है वो गाइडलाइन हमको दिख जाती है उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम कट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ होल्ड करना है और जो गाइडलाइन बन रही है उसी गाइडलाइन को लेते हुए हमको कटिंग करनी है। इस तरह से कॉम करनी है, हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है जिससे कि अच्छे से लेयर बालों में अच्छे से लेयर भी आ जाते हैं। इस तरह से ऊपर ले जाते हुए हाथों को और कटिंग को मिलानी है। अब हम टॉप सेक्शन में हम बालों को ले लेंगे। इस तरह से यू शेप में बालों को लेते हुए हम टॉप सेक्शन में कट करेंगे। इस तरह से बालों को हम चेक कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको कट कर लेंगे, जिससे अच्छे से और अच्छे लेयर आ जाते हैं बालों में। और इन बालों को कट कर लेंगे। इस तरह से लुक आ जाती है। अब हम फ्रंट के कटिंग स्टार्ट करेंगे। जो मांग की सीध में बाल को लेते हुए हम बाल को लेंगे और पीछे से गाइडलाइन ले लेंगे, उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम कटिंग करेंगे। अब दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बालों को। पहले हम एक साइड के बालों को कटिंग करेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे और जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसी गाइडलाइन में हम कटिंग को मिला देंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी जो हमने जो गाइडलाइन बनाई थी उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम कट कर लेंगे। इस तरह से आसानी से कटिंग भी हो जाती है और जल्दी भी कटिंग हो जाती है इस तरह से कट करने से। अब हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे टॉप सेक्शन के आगे के पूरे बालों को लेते हुए। एक्स्ट्रा बालों को हम इस तरह से निकाल लेंगे और कितने अच्छे से लेयर आ जाते हैं बालों में, हैवी लुक आ जाती है। अब हम इन बालों में लेयर देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले गाइडलाइन बनाएंगे। चिन एरिया को लेते हुए हम गाइडलाइन बनाएंगे। इसी गाइडलाइन को लेते हुए हम
पीछे तक के बालों में मिला लेंगे। जो हमने फ्रंट की गाइडलाइन बनाई है उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम लेयर देंगे, हाथों को तिरछा रखेंगे और इस तरह से जो हमने आगे की गाइडलाइन बनाई है उसी गाइडलाइन में मिला देंगे। इस तरह थोड़े थोड़े पार्ट लेते हुए अच्छे से कॉम करते हुए और जो हमको आगे की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन में हम कट करेंगे। अच्छे से कॉम करेंगे और थोड़े थोड़े पार्ट लेते हुए और इस तरह से कटिंग को मिलाते जाएंगे। इस तरह से हमें पूरी कटिंग जो हमने पीछे की हमारी कटिंग है उसी में मिलाना है। इस तरह हाथों को थोड़ा तिरछा रखेंगे और कट करेंगे बाल को। कितने सुंदर लेयर आ जाते हैं। इस तरह से हमारे जो हमारे पीछे की लाइन है हमने इस तरह से कट करते हुए उसमें मिला लिया है और इस तरह से कितने अच्छे से लेयर आ जाते हैं बालों में। अब हम दूसरी साइड की भी इसी तरह करेंगे। जो हमने चिन एरिया की जो गाइडलाइन ली है उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम कट करेंगे। इस तरह से हम कॉम करेंगे और थोड़ा सा पार्ट लिया है और जो हमने आगे की गाइडलाइन है उसमें मिला लिया। इस तरह से हाथों को तिरछा रखेंगे और जो हमारी गाइडलाइन बनी है आगे से उसी गाइडलाइन में हम मिलाते जाएंगे। इसी तरह से हमने पूरी कटिंग को जो हमारी पीछे की जो लाइन है उसमें मिलानी है। इस तरह से हाथों को तिरछा रखना है और कटिंग को आगे की जो गाइडलाइन बनती जा रही है उसमें मिलाना है। और अच्छे से लेयर बालों में आ रहे हैं। इस तरह से कटिंग करते हुए बालों की अच्छी सी लुक आ रही है। इसे हमने पूरी पीछे की लाइन में मिला देंगे। ये हमने पीछे की लाइन में मिला लिया है। इससे जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको कट कर लिया है और ये हमारी कट हो गई दोनों साइड की। जिससे बालों में लेयर आ गए हैं और ये कटे हुए बाल। अब हम जो टॉप सेक्शन में हम फिर एक बार फिर बालों को लेते हुए अच्छे से हम नोचिंग करेंगे, एक्स्ट्रा बालों को कट करेंगे और इस तरह से लेयर आ गए हैं बालों में, कटिंग हो गई है। इस तरह से आप पतले बालों में भी मल्टी स्टेप लुक दे सकते हैं और इस तरह से बालों में हैवी लुक आ गया है। आपको मेरा कट कैसा लगा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।